सो गाइज दिस इज कमिल एंड यू आर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए इंस्टॉट के अंदर 3v2 1 reel एडिटिंग कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि 3v2 1 reel आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल इसके ऊपर बना दिया जाए। तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना और जल्दी से हम अपना ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इंस्टॉट वीडियो एडिटर ऐप में। तो इंस्टॉट ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से हमें न्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से हमें सबसे पहले एक फोटो ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऊपर में आपको 3 ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है वीडियो, सेकंड ऑप्शन मिलता है फोटो। तो हमें फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप किसी भी टाइप का एक पिक्चर ऐड कर लीजिएगा, लाइक आप कोई बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ, तो ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर जो टिक मार्क ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो बैकग्राउंड आपका आ जाएगा। सबसे पहले बैकग्राउंड को हमें पूरे स्क्रीन पर यहाँ पर फिल कर लेना है, यानी कि फिट कर लेना है। तो कैनवास के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 चूज़ करना है एंड इस बैकग्राउंड को इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, उसके बाद इसको कर देना है डन। सो अभी बैकग्राउंड हमारा पूरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो फिट हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस बैकग्राउंड का टाइम ड्यूरेशन आपको बड़ा कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इसका टाइम ड्यूरेशन अराउंड 20 सेकंड कर लेता हूँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर भी दिखाई देगा, तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन 20 सेकंड हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर अपना वीडियो ऐड करना है, तो वीडियो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर IP स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन मिलेगा PIP पिक्चर इन पिक्चर, आप देख सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको वीडियो ऑप्शन को चूज़ करना है एंड देन यहाँ से आप अपना वीडियो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं अपना वीडियो ऐड कर लेता हूँ। तो अगर आपका वीडियो यहाँ पर ढूंढने पर नहीं मिलता है तो आप रिसेंट के ऊपर क्लिक करके फोल्डर से डायरेक्टली अपना वीडियो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपना सारा वीडियो ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं अपना वीडियो ऐड कर रहा हूँ। ओके तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड वीडियो हमारा आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को बड़ा कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। एंड बड़ा करके इससे बिल्कुल ऊपर के साइड में सेट कर लेना है लाइक दिस। तो वीडियो ऊपर में सेट हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है PIP, आप देख सकते हो। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपना सेकंड वीडियो ऐड करना है। तो यहाँ से मैं अपना सेकंड वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ, तो मेरा सेकंड वीडियो आई गेस इस फोल्डर के अंदर ही है। तो सेकंड वीडियो ये रहा, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है एंड इसको मिडिल में सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये भी आ चुका है सेकेंड वीडियो। अभी हमें अपना तीसरी वीडियो ऐड करना है, थर्ड वीडियो। तो अगेन PIP के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें अपना थर्ड वीडियो भी ऐड कर लेना है। तो थर्ड वीडियो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है, तो ये रहा। सो ये आ चुका है हमारा तीनों वीडियो, इसको बड़ा करना है, नीचे की साइड में सेट कर लेना है। तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने तीनों वीडियो को सेट कर लिया स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आपको भी अपना तीनों वीडियो इस तरीके से एक ही स्क्रीन पर अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद इन तीनों का टाइम ड्यूरेशन आपको बिल्कुल इक्वल कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको स्प्लिट कर लेना है, जिस वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है तो आपको यहाँ पर कर लेना है स्प्लिट एंड एक्स्ट्रा पार्ट आपको डिलीट कर लेना है। इसको भी आपको स्प्लिट कर लेना है और इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लेना है, साथ में बैकग्राउंड को भी स्प्लिट कर लेना है। तो बैकग्राउंड यहाँ से स्प्लिट करना होगा और इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लेना है। सो अभी आप देख सकते हो सब कुछ बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली कर देना है डन। तो ये रहा हमारा तीनों वीडियो। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों वीडियो को थोड़ा एडजस्ट करना है, उसके बाद म्यूज़िक ऐड करना है। अगर आपकी वीडियो में ऑलरेडी म्यूज़िक है या कोई साउंड वगैरह है उसको अगर आप म्यूट करना चाहते हो तो कैसे म्यूट कर सकते हो, मैं आपको दिखाया। तो आपको यहाँ से अपना वीडियो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आ जाना साउंड पर, इसको कर देना है 0। देन सेकेंड वीडियो को चूज़ करना है, इसका भी वॉल्यूम कर देना है 0 एंड थर्ड वीडियो का भी वॉल्यूम आपको कर लेना है 0। तो ये तीनों वीडियो का म्यूज़िक म्यूट हो चुका है, यानी कि साउंड। अभी इन तीनों वीडियो को हमें एडजस्टमेंट करना है, तो हमें अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद फिल्टर पर आना है। यहाँ से आप कोई एक फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, तो फिलहाल इसको ओरिजिनल कर लेते हो और यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ब्राइटनेस इंक्रीज़ करना है सबसे पहले, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर लेना है अपनी वीडियो के हिसाब से एंड देन सेचुरेशन को भी
यूज़ कर लेना है। सेचुरेशन को 10% में कर लेते हो, उसके बाद HSL पर आना है, और HSL पर आने के बाद आपको यहाँ पर जिस टाइप का कलर आपको चाहिए आप यहाँ से उस कलर को ले सकते हो, यानी कि आपने वीडियो उस कलर का बना सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इस कलर को मैंने पिक कर लिया बिफोर आफ्टर, और एंड में मैं यहाँ से शार्पन नाम का एक इफेक्ट मिलता है, इसको यूज़ कर लेता हूँ 10%। सो वीडियो का क्वालिटी बिल्कुल मस्त हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, सेम टेक्निक को अप्लाई करके इसको भी एडजस्टमेंट कर लेना है। एंड उसके बाद इसको सिंपली कर देना है डन, और यहाँ से शार्पन इफेक्ट को थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं, और इसको भी कर देना है डन। सो आप देख सकते हो तीनों वीडियो को एडजस्टमेंट कर लिया, और अभी यहाँ पर हम म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए सबसे पहले म्यूज़िक पर आना है, यहाँ पर इफेक्ट चूज़ करना है, एंड देन माई म्यूज़िक। उसके बाद आप यहाँ से एक सिनेमेटिक टाइप का म्यूज़िक ऐड कर लीजिएगा, जो कि मेरे पास ये है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। म्यूज़िक यहाँ पर आ चुका है, इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ पार्ट को मैं यहाँ पर कुछ ही सेकंड को डिलीट कर लूँगा, और उसके बाद इसका जो एंड में जो बचा हुआ क्लिप है इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, और इसको कर देना है डन। सो यहाँ से अगर हम अपनी वीडियो को प्ले करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारा वीडियो एडिटिंग हुआ है, आप देख सकते हो शानदार वीडियो बन चुका है। अब इस वीडियो को सेव करना है, तो इसके लिए सेव के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें रेजोल्यूशन चूज़ कर लेना है, लाइक 1080p आप चूज़ कर सकते हो, 4K भी आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं 1080p को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से फ्रेम रेट चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं 60 चूज़ कर लेता हूँ, एंड सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारा वीडियो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।